ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी ने चीन के सामने ही पाकिस्तान को धो डाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद की मां है जो आतंकवाद को पालपोष रही है। पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा, दुनिया भर के टेरर मॉड्यूल्स पाकिस्तान से संचालित होते हैं। पाकिस्तान न सिर्फ आतंकवादियों को पनाह देता है बल्कि आतंकी मानसिकता भी पालता है। पीएम मोदी ने कहा, राजनीतिक फायदे के लिए पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ाता है। मोदी ने कहा कि आज बढ़ता आतंकवाद मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशिया, यूरोप और साउथ एशिया के लिए बड़ा खतरा है। पीएम मोदी ने इशारों इशारों में पाकिस्तान पर निशाना साधा, कहा हमारी समृद्धि को आतंकवाद से सबसे ज्यादा खतरा है। दुर्भाग्य है कि आतंक का सप्लायर भारत का पड़ोसी है। जी मीडिया संवाददाता संजय सिंह गोवा से सीधे सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, ये बड़ा बयान है और ये बयान इसलिए बड़ा क्योंकि चीन के प्रतिनिधि यहां मौजूद हैं और उनके सामने, जिनपिंग के सामने अगर प्रधानमंत्री सीधे सीधे ये कह देते हैं या संदेश देते हैं कि पाकिस्तान से आतंकवाद को न सिर्फ पाला पोसा जा रहा है बल्कि हिंदुस्तान तक सप्लाई भी हो रहा है और इसको लेकर चीन के साथ हमारी जो बातचीत है वो नया मोड़ क्या ले सकती है? देखिए, इसके काफी महत्व हो जाता है क्योंकि जो ब्रिक्स के तमाम नेताओं के बीच में प्रधानमंत्री ने बात की, काफी बोल्ड स्टेटमेंट है। दरअसल में इसकी भूमिका दो दिन पहले से ही बननी शुरू हो गई थी। कल प्रधानमंत्री ने अपनी जो बायलेटरल बातचीत थी रूस के राष्ट्रपति, उनके साथ भी इस बारे में चर्चा की थी। चीन के राष्ट्रपति के साथ में भी इस बारे में चर्चा हुई थी, साथ ही साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति के साथ में भी इस बारे में चर्चा हुई थी। और उसके बाद से भारत लगातार एक माइंडसेट था, भारत की शुरुआत से कूटनीतिक तौर पर एक नीति रही थी कि इस मामले में आतंकवाद एक बहुत बड़ा मसला बन के ब्रिक्स के अंदर उठता है। और प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट देखिए काफी बोल्ड है, इन्होंने कहा कि ना सिर्फ ये पनाह देता है बल्कि इट नर्चर्स अ माइंडसेट, मतलब पाकिस्तान की मेंटेलिटी के बारे में कहा है। कल रूस के प्रधान राष्ट्रपति के साथ भी जो उन्होंने साझा बयान दिया था, प्रेस स्टेटमेंट दिया था, उसमें भी उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा था कि जो आतंकवाद के जो सपोर्टर्स हैं उस उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। और ये जाहिर तौर पर ब्रिक्स के जो तमाम बड़े देश और साथ ध्यान में रखते हो कि चीन जो पाकिस्तान का लॉन्ग टाइम दोस्त रहा है, वही चीन जिसने जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर को डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित करने की पहल पर अड़ंगा लगाया था, उनके सामने प्रधानमंत्री का एक ये जो बयान दे रहे हैं और उन्होंने बात कही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं कि अब से थोड़ी देर के बाद 3 बजे प्रधानमंत्री एक स्टेटमेंट भी देंगे, क्योंकि भारत इस साल ब्रिक्स का अध्यक्ष है, उसके नाते प्रधानमंत्री देंगे। और भारत की शुरुआत से ये रही थी कि किसी न किसी तरह से आतंकवाद है वो इस ब्रिक्स के सम्मेलन के अंदर मुद्दों में आ जाए, क्योंकि आमतौर पर ब्रिक्स का जो निर्माण हुआ था वो था आपसी सहयोग, ट्रेड, व्यापार आदि चीजों की। लेकिन प्रधानमंत्री का, लेकिन संजय एक तरह से ये चीन को भी जवाब है। यूएन में चीन की तरफ से जो बातें कही गई थी आतंकवाद को लेकर, और साफ साफ चीन ने कहा था कि आतंकवाद को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए और राजनीतिक फायदे के लिए आतंकवाद की बात नहीं की जानी चाहिए, तो उसका जवाब भी प्रधानमंत्री ने आज सीधे सीधे चीन को दे दिया है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे दिया और काफी बोल्ड तरीके से दिया है उन्होंने। जब वो कह रहे कि पाकिस्तान भारत के पड़ोस में ये पनप रहा है, नर्चर करता है माइंडसेट, तो इसका मतलब सीधे सीधे पाकिस्तान पर ही है। भारत की जो नीति रही थी कि कूटनीतिक तौर पे, जैसे इसके बाद ही ब्रिक्स का खत्म होते बिम्स्टेक का जो सम्मेलन होगा जिसमें सार्क के लगभग बहुत सारे देश इसमें है, श्रीलंका है, भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, वहां पर भी इस बारे में अब यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो आगे कंटिन्यूएशन में होगा। और पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा हमला है, कूटनीतिक तौर पे भारत ने अपना जो स्टैंड है वो काफी अंतरराष्ट्रीय पटल पे काफी क्लियरली और काफी बोल्ड तरीके से। बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका इस पूरी जानकारी के लिए।